हेलो दोस्तों, आज हम लोग लिमिट के कुछ टफ प्रॉब्लम्स, थोड़े से लेवल टू के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सब चार पांच प्रॉब्लम्स अभी मैं सॉल्व करूंगा। ये सभी प्रीवियसली किसी अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसमें बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है, आप इसको देखिए और फिर समझिए। ये देखिए, यहाँ पे जैसे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 - n² और ये सीरीज इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट स्टेप देखिए, इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। सबसे पहले प्रॉब्लम को सोचना पड़ता है, ठीक है, कि आप फर्स्ट स्टेप में आप इसको कैसे सोच रहे हैं, ठीक है, किस वे में आपका प्रोसेस काम करता है, थिंकिंग प्रोसेस। देखिए, एन टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी वाले केस में हमेशा क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखते हैं हम लोग। डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर होता है वो चेक करते हैं और फिर ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहां पे तो डायरेक्टली कुछ इस तरह से दिख नहीं रहा है, और ये तो दिख रहा है कि ये सीरीज टाइप का है। तो पहले इसको अगर कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं कि स्टेप, तो वो करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए, ये सब कॉमन ही है, 1 - n², ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, 1 - n² नीचे में, ठीक है। तब ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + n, तो हम लोग को दिख रहा है नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, 1 + 3 + कि ये एक सीरीज है 1 + 2 + 3 n तक। इसका तो मुझे वैल्यू पता है कि n·n+1/2 होता है, ठीक है। तो अब देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, n·n+1/2 इसका ऊपर वाले का, ठीक है। और नीचे में फिर क्या है, यहां पे 1 - n², ठीक है। दिस इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, ऊपर में क्या हो जाएगा, n² + n डिवाइडेड बाई 2 × 1 - n², समझ में आ रहा है। अब तो यहां पे दिख गया, हाईएस्ट पावर ऊपर में n² दिख रहा है, नीचे में भी n² दिख रहा है। हम लोग को यूज किसका करना है, डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट पावर होता है उससे डिवाइड करना। ऊपर में क्या पावर है उससे मुझे कोई मतलब अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, दिस इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको डिवाइड करेंगे n² / n² + n / n² होल डिवाइडेड बाई 2 × 1 - n² - n² / n², ठीक है, सिंपल स्टेप है ना। तो अब देखिए यहां पे क्या हो गया, ये n² कैंसिल हो गया, ठीक है, यहां भी n² कैंसिल हो गया। तो दिस इक्वल टू, यहां पे n से एक n कट गया, ठीक है, यहां पे अब यहां पे नहीं हो रहा कैंसिल। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा, 1 + 1/n, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा, ये यहां पे 2 × 1 - n² - 1, समझ में आ रहा है। तो अब जब n टेंस टू इन्फिनिटी है यहां पे, तो 1 / n टेंस टू कहां चला जाएगा, जीरो पे जाएगा ना, ये टेंस टू जीरो हो जाएगा। फिर n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो 1 / n² ये कहां पे जाएगा, जीरो पे, समझ में आ रहा है। अब ये दोनों टर्म जब जीरो हो गया, नीचे में कितना हो गया, ये -1 है, तो × 2 है तो -2 हो गया, और ऊपर में कितना, 1, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं -1/2 इसका आंसर हो गया। देखिए, ये एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 / 1 × 2, ये पॉइंट नहीं है, 1.2 नहीं है, इंटू है, मल्टीप्लीकेशन, गुना 1 × 2 प्लस 1 / 2 × 3 प्लस 1 / 3 × 4 प्लस ये अप टू कहाँ तक है, 1 / n - 1, ये एक छोटा उससे एक बड़ा इस तरह का है ना, n - 1 × n, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस करने से आप लोगों को कैसे सॉल्व करते हैं ये पता चलेगा। देखिए, इसको मैं 1 / 1 × 2, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2 लिख सकते हैं ना, ये 2 - 1 / 1/2 फिर से हो जाएगा, ये 1/2 है ना, ये 1/2 ही है ना। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 / 2 × 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 / 2 - 1/3, देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 नीचे में 6 हो जाएगा, फिर ऊपर में 3 - 2 कितना, 1 हो जाएगा, तो 1/6 मतलब 2 × 3 इस तरह से हो सकता है ना। फिर यहाँ पे 1 / 3 × 4 है, ये इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 / 3 - 1/4 लिख सकते हैं, तो 4 × 3 = 12, ये 4 - 3 = 1, 1 / फिर से हो गया 3.4। इसी तरीके से वहां पे क्या है, वो 1 / n - 1 × n, इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1 / n - 1 - 1/n लिख सकते हैं ना, ये जिस तरह हम लोग लिखे हैं 1/2 × 3,
तो ये 1 बाय टू माइनस 1 बाय थ्री, 1 बाय टू माइनस 1 बाय थ्री, 1 बाय थ्री इंटू 4, 1 बाय थ्री माइनस 1 बाय फोर, तो इसको भी लिख सकते हैं 1 बाई एन माइनस 1 माइनस 1 बाई एन। समझ में आ रहा है इतना दूर? अब इसको इसमें रिप्लेस कीजिए, देखिए क्या होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसके जगह पर हम ये लिखते हैं 1 माइनस 1 बाई टू। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर प्लस, अब क्या होगा यहाँ पे 1 बाई टू इंटू थ्री के जगह पे कितना लिख सकते हैं 1 बाई टू माइनस 1 बाई थ्री, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई टू माइनस 1 बाई थ्री। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करने से होगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको पता चलेगा अप्रोच की किधर की तरफ हम लोगों को मूव करना है। ठीक है, फिर प्लस, इसके बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई थ्री माइनस 1 बाई फोर। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से लिखते हुए जा सकते हैं। फिर प्लस हम लोग अब कहाँ, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 बाई एन माइनस 1 माइनस 1 बाई एन लिख सकते हैं ना, सेम चीज हो गया, इसके बदले हम लोगों ने ये लिख दिया। इससे फायदा क्या हो गया वो देखिए, अब इससे फायदा ये हो गया, ये देखिए माइनस 1 बाई टू है प्लस 1 बाई टू है, माइनस 1 बाई थ्री है प्लस 1 बाई थ्री है, माइनस 1 बाई फोर, तो इसका नेक्स्ट टर्म यहाँ पे कहीं पे होगा 1 बाई फोर, नेक्स्ट टर्म आएगा ना, तो वो उसमें कहीं पे प्लस वो 1 बाई फोर होगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से यहाँ पे 1 बाई एन माइनस 1 है तो ये इसके पिछले वाले टर्म से कट गया होगा, मतलब ये देखिए ये फर्स्ट टर्म किसी भी टर्म का फर्स्ट टर्म इसके पिछले वाले के लास्ट टर्म से कट जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो ये इसका फर्स्ट टर्म है तो इसके पीछे कहीं पे होगा 1 माइनस एन माइनस 1 नेगेटिव में, वो कट जा रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये कैंसिल हो गया इससे। ठीक है, ये किस तरह से प्रोसीजर बन रहा है, देखिए माइनस 1 बाई 3 से 1 बाई 3 कैंसिल हो गया, माइनस 1 बाई 4 से 1 बाई 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कुछ होगा सेम टू, इससे ये कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है? तो अब कुछ बचा ही नहीं इस प्रॉब्लम में, अब ये क्या बच गया प्रॉब्लम, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाई एन हो गया खत्म प्रॉब्लम। 1 बाई एन इज क्या, 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, आंसर हो गया कितना 1, क्वेश्चन था कितना बड़ा, आंसर आया कितना छोटा, सिर्फ 1। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन फैक्टोरियल है ये, एन प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप वो देखिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसको रहने दीजिए एन फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है एन प्लस 1 फैक्टोरियल है, इसको हम लोग कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस एन फैक्टोरियल। क्यों ऐसा लिख सकते हैं ये देखिए, जैसे 5 फैक्टोरियल हम लोग लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं ना। समझ में आ रहा है? तो क्यों, क्योंकि 5 फैक्टोरियल हो रहा कितना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ना, ये तो 4 फैक्टोरियल ही है, तो अगर n प्लस 1 फैक्टोरियल है तो n प्लस 1 जो ये था वो हो गया। ठीक है, और उससे एक कम का फैक्टोरियल, तो n प्लस 1 था तो इससे एक कम कितना हो गया, n फैक्टोरियल, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे फायदा क्या हो गया इससे कि ऊपर में भी n फैक्टोरियल नीचे में भी n फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे सिर्फ डिवाइड कर दीजिए किस से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? ये सब कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये इक्वल टू बचेगा कितना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 1। समझ में आ रहा है? तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, बचा कितना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n, तब क्या हो गया, ये इन्फिनिटी है, कॉन्स्टेंट नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे इक्वल टू कितना, 0 आंसर। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए अगर ये सब चीज आपको समझ में आ रहा है, एक मैं प्रॉब्लम यहां पे दे रहा हूं बहुत ही इजी सा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से अप टू n डिवाइडेड बाय, मान लीजिए कि ये n स्क्वायर है प्लस 6n है प्लस 11 है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए आप। ठीक है, इसको सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर इस पूरे प्रोसेस में पूरे प्रॉब्लम्स में जो मैंने सॉल्व किया यहाँ पे उसमें भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, और अगर अभी तक आप लिमिट के टोटल जितने भी वीडियोज हैं आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखिए, तब आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगा।